मौसम भी मेहरबान, शहर में वक्फे वक्फे से बारिश, डिफेंस और एबट रोड समेत कई इलाकों में बारान रहमत। मौसम खुशगवार, ईद के तीनों दिन बारिश की पेशगोई, गर्मा गर्म खाबों के साथ ईद भी ठंडी गुजरेगी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, अहले लाहौर को ईद मुबारक। ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। शहर भर की मसाजिद, इमाम बारगाहों, ईदगाहों और पार्कों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमाआत, मुल्क की सलामती, अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। बादशाही मस्जिद में नमाज ईद उल अज़हा का रूह परवर इज्तिमा, स्टेशन कमांडर नेवी SM शहजाद समेत हजारों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत, मुल्क की सलामती, खुशहाली के लिए दुआ। मौलाना मुबशर निजामी ने ईद की नमाज पढ़ाई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जिलानी पार्क में आवाम के साथ ईद नमाज पढ़ी, शहरियों से गले मिले, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की। वज़ीर आला पंजाब की अहले वतन को ईद की मुबारकबाद, ईद के रोज वज़ीर आला इन एक्शन, जो करप्शन करेगा बच नहीं सकेगा, गुड गवर्नेंस और तब्दीली नजर आएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की दारुल शफकत यतीम खाना आमद, बच्चों में तहफ तकसीम किए, मिठाई भी खिलाई। वज़ीर आला पंजाब का मेंटल हस्पताल का दौरा, मरीजों से मुलाकात। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार ने गार्डन टाउन जामिया मस्जिद में नमाज ईद अदा की, मुल्क की सलामती, खुशहाली और अमन के लिए दुआ की, पानी की किल्लत खत्म करने के लिए डैम बनाने का अज़्म किया। शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज की भी शिरकत, मुल्क की सलामती, अमन और खुशहाली की दुआएं। शहबाज शरीफ ने मुलाजमीन समेत सिक्योरिटी स्टाफ से ईद मिली। मॉडल टाउन ई ब्लॉक के जामिया मस्जिद में नमाज ईद का रूह परवर इज्तिमा, मॉडल टाउन सोसाइटी के रहायशियों की शिरकत, मुल्क की सलामती, अमन के लिए दुआएं। जामिया नईमिया, ग्रेटर इकबाल पार्क और बाग जनाह में भी नमाज ईद के बड़े इज्तिमाआत, वतन की खुशहाली, अमन और सलामती की दुआएं की गईं। दाता दरबार की जामिया मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा, मौलाना रमजान सियालवी ने नमाज पढ़ाई। बहरिया टाउन मस्जिद, ऑस्ट्रेलिया मस्जिद, रेलवे स्टेशन में नमाज ईद की अदायगी, मुल्क की तरक्की, अमन के लिए दुआ। लॉर्ड मेयर ने मियां मीर गांव में नमाज अदा की, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में नमाज अदा की। इमरान खान ने तकरीर में मसला कश्मीर का जिक्र नहीं किया, करप्शन फोरी निज़ाम चाहते हैं, सिराजुल हक की गुफ्तगू। नासिर बाग में नमाज ईद का इज्तिमा, साबिक निगरान सूबाई वजीर ज़िया रिज़वी नमाज की भी शिरकत, हाफिज कासिम रजा नकवी ने नमाज ईद पढ़ाई, मुल्क की सलामती और अमन खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। ईद के इज्तिमा की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजाम, पुलिस जवानों ने पहले इज्तिमा को सिक्योरिटी दी, फिर खुद नमाज अदा की। पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में नमाज ईद की अदायगी, CCPO समेत पुलिस अफसरान और एहलकारों की शिरकत। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के लिए जानवरों की कुर्बानी, जामिया नईमिया, इनवार मदीना और मंसूरा समेत कई मकामात पर इज्तिमाई कुर्बानियां, मुस्तहकीन में गोश्त तकसीम किया जाने लगा। जामिया अशरफिया में ईद के पहले रोज 50 बैलों की कुर्बानी। कलेजी और पाए के बाद मटन कढ़ाही, बिरयानी और नेहारी भी तैयार, शाम को बारबेक्यू और सीख कबाब के लिए इंतजामात, खातिन खाने पकाने में मसरूफ और फूड पॉइंट्स पर रान रोस्ट के लिए तैयारी। टिक्का बोटी, रोस्ट मटन और मटन कढ़ाई खाएं जरूर, मगर थोड़ा एहतियात से, एक दिन में 100 ग्राम से ज्यादा गोश्त खाना मुसरे सेहत है, तिबी माहरीन। फनकार बिरादरी भी ईद मनाने में मसरूफ, अदाकारा रेशम की जानिब से बच्चों की कुर्बानी,
گلوکارہ رابی پیرزادہ کے عید پر خصوصی پکوان لاہور نیوز سے گفتگو میں گانا بھی گنگنایا عید پر اپنے پیاروں کی یاد میانی صاحب قبرستان میں شہریوں کی اپنوں کی قبروں پر حاضری فاتح خانی پھولوں کے نذرانے پیش کیے جانوروں کی آلائشیں گلیوں میں نہ پھینکیں صفائی کا خاص خیال رکھیں شہر میں صفائی کے لیے خصوصی انتظامات لارڈ میئر کا ایل ڈبلیو ایم سی کیمپ کا بھی دورہ صفائی انتظامات کا جائزہ شہریوں میں بیگز تقسیم کیے ڈپٹی کمشنر کا ڈونگی گراؤنڈ اور ملتان روڈ کا دورہ صفائی کے عمل کا جائزہ لیا اور بڑی عید کی خوشیاں لاہور نیوز کے سنگ عید اسپیشل پروگرام میں وارث بیگ جوجی علی خان حمیرہ ارشد اور فرحانہ مقصود کی شاندار پرفارمنسز پنجابی گانوں پر فنکاروں کے ٹھمکے